व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार डे के साथ में, जिसको बोला जाता है नेशनल सेफ्टी डे। सेफ्टी की बात जब आप लोग करते हैं यहाँ पर, तो सीधा सीधा एक तरीके से समझदारी यहाँ पर निकल कर आती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उससे पहले यहाँ पर सेफ्टी आप लोगों को ले लेनी चाहिए। यानी कि जैसे मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज जैसे ही होता है तो जैसे गर्मी से सर्दी या फिर सर्दी से गर्मी होती है, तो हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेगा हेल्थ के कई सारे इश्यू निकल के आते हैं। पर लेकिन आप लोग पहले से ही अगर प्रिकॉशन लेकर चलते हैं तो आप लोग यहाँ पर इसको टैकल कर पाएंगे। इसी तरीके से फाइनेंशियल लॉस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर कहीं पर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है या किसी भी तरीके से घर से आप लोगों के लिए अगर कुछ मनी आती है, जैसे आप लोग अपना डे बाय डे की एक्टिविटी में इसको यूज करते हैं, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो उस टाइम पर आप लोगों को यह पता होना चाहिए कितनी मनी आप लोगों को यहां से सेव करनी है, ताकि अगर इमरजेंसी में आप लोगों को जरूरत पड़ जाए तो आप लोग घर वालों से न मांगनी पड़े। तो ये तमाम इश्यू है, तो इन सब चीजों के बारे में कहीं ना कहीं गाइड किया जाता है आज के डेट में सोसाइटी को, और उसी के लिए नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को हमारी कंट्री में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। यह है नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटे से क्विज के साथ में। आप लोगों को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद में आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबसे पहले बात की जा रही है इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ में मिलकर यहाँ पर एनुअल एक्साइज युद्ध अभ्यास उत्तराखंड में 2018 में सेलिब्रेट की गई, तो आप लोगों को उस कंट्री का नाम यहाँ पर बताना है। सेकेंड, यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया के साथ में मिलकर कौन सी कंट्री के द्वारा साइन किया गया था यहाँ पर इसरो के लिए, यहाँ पर जब बात की जाती है हम लोगों ने जो गगनयान भेजने की बात कर रहे हैं 2022 में, तो कौन सी कंट्री है जो हमको सपोर्ट कर रही है यहाँ पर गगनयान, यानी कि इंसानों को स्पेस में भेजने का जो फर्स्ट फ्लाइट है हमारी, उसके लिए ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इंडिया कौन सी कंट्री के साथ में यहाँ पर 5 एग्रीमेंट रिसेंटली अभी साइन किए गए हैं, डिफेंस, साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल, रिसर्च एंड लेजर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड डिप्लोमेटिक वीजा। ये सब चीजें जो हैं, खासकर अगर वीजा वेवर की बात करते हैं, तो ये सारे एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ में हम लोगों ने अभी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट रिसेंटली साइन किए हैं, उस कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है। इंडिया और बुल्गेरिया, ये दोनों ने मिलकर रिसेंटली अभी MOU साइन किया था सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट टूरिज्म एस्टेब्लिशमेंट इन हिंदी चेयर। देखिए, कोई याद रखे या ना रखे, ये हिंदी चेयर जरूर याद रखिएगा, यानी कि हिंदी की पढ़ाई की जाएगी यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी के अंदर, उस यूनिवर्सिटी का नाम आप लोगों को बताना है जो कि बुल्गेरिया के अंदर है। तो ये काफी न्यूज में भी थी उस टाइम पर, तो इसके बारे में कम से कम आप लोगों को आइडिया रखना है। बात करते हैं यहाँ पर 4th इंटरनेशनल आयुर्वेदा कांग्रेस, ये अभी कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली, लोकेशन आप लोगों को बतानी है, जो कि September 1st-2nd, 2018 में ये देखने को मिली। तो इसकी आप लोगों को लोकेशन पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है आयुर्वेदा के फील्ड में इंडिया कितने लार्ज स्केल पर इसको प्रमोट करती है। क्योंकि देखिए, जब आयुर्वेदा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक जड़ निकल कर आती है, या फिर आप लोग नींव बोल लीजिए, वो हमारी कंट्री से निकल कर आती है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी एक कमेटी, उस कमेटी के हेड कौन थे आप लोगों को बताना है, जिसके द्वारा ये बोला गया था नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हमारे चुने जाएंगे, तो वो रिजर्व बैंक के फॉर्मर गवर्नर थे और काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे यहां पर बात करते हैं, फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इंडियन रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, जिसको NRTI भी आप लोग बोलते हैं, ये अभी रिसेंटली कहां पर स्टार्ट की गई, ये आप लोगों को बताना है, यानी कि लोकेशन आप लोगों को बतानी है, राज्य भी बता सकते हैं, और अगर एग्जैक्ट लोकेशन बता दे तो बहुत अच्छा है। जीरो भी स्कोर क्यों ना है वो भला, आप लोगों को जीरो में अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, और कोशिश करनी है कि उसको आने वाले टाइम में इंप्रूव करते रहना है। आइए नजर डालते हैं क्वेश्चन के आंसर पर। ये कंट्री है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसके साथ मिलकर हम लोग युद्ध अभ्यास एक्साइज यहां पर करते हैं, जो कि एक एनुअल एक्साइज है। अब की बार 2018 में ये उत्तराखंड में देखने को मिली, तो लोकेशन और किसके साथ में है, ये कुछ बातें आप लोगों से काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया और फ्रांस मिलकर काम करने वाले हैं यहाँ पर गगनयान के लिए, यानी कि गगनयान जो कि हमारा फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन होगा, फ्रांस हम लोगों को सपोर्ट करेगा और टारगेट है 2022 तक इंसानों को स्पेस में भेजने का, तो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। चेज रिपब्लिक यहाँ पर ये कंट्री है, जिसके साथ में हम लोग मिलकर ये 5 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं हमारे द्वारा, और मिलकर इनमें हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अलग अलग एरिया में हम लोग काम करेंगे दोनों कंट्री मिलकर। आगे बात की जा रही है बुल्गेरिया, ये है यूनिवर्सिटी सोफिया यूनिवर्सिटी, जिसमें हिंदी चेयर की बात की गई यहाँ पर, ये क्वेश्चन आप लोगों से रिसेंटली अभी कई एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी इसके पूछने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो हल्का सा फोकस आप लोगों का इसके ऊपर रहना चाहिए। फोर्थ इंटरनेशनल आयुर्वेदा जो कॉन्फ्रेंस अभी देखने को मिली, खासकर इंटरनेशनल कांग्रेस इसको आप लोग बोलिए एक तरीके से, ये नीदरलैंड में आप लोगों को देखने को मिली, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये है बिमल जालन, जिनके द्वारा यहाँ पर कमेटी हेड की गई थी कि हमारे नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन होने चाहिए। अरविंद सुब्रमण्यम के बाद में आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आज के दिन में हमारी कंट्री के कौन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
इंडिया की फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी जिसका नाम है नेशनल रेल एंड द ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, ये वडोदरा गुजरात में आप लोगों को अभी रिसेंटली देखने को मिली। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और खासकर देखिए जिस तरीके से आप लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोगों ने ट्वेल्थ कर लिया, ट्वेल्थ करने के बाद में कोई किसी स्ट्रीम में जाता है तो कोई किसी स्ट्रीम में जाता है, तो इसी तरीके से ट्वेल्थ के बाद में अब यहाँ पर रेलवे के लिए भी अलग से आप लोगों के लिए कोर्सेज होंगे, यानी कि स्पेशलाइजेशन आप लोगों को यहाँ पर रेलवे के अंदर देखने को मिलेगी, जहां पर रेलवे से रिलेटेड ही यहाँ पर डिग्री दी जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जो भी आज के डेट में प्रॉब्लम होती है हमारी कंट्री में, वो सब प्रॉब्लम हम लोग टैकल कर पाएंगे, अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट रेलवे के अंदर कर पाएंगे। तो आने वाले टाइम में खासकर एक ऐसा सिस्टम जिसमें सबसे ज्यादा जनता हमारी ट्रेवल करती है, उसको हम लोग सेफ मोड में लेकर आ पाएंगे। तो इसीलिए यहां पर ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट की गई है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट देखने को इससे मिलते हैं। सबसे पहले हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट यहां पर लॉन्च किए गए अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में अमेठी में। ये आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा, पर हाँ ये जरूर पूछा जाएगा कि क्या यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लगाया गया, कोई फैक्ट्री, तो हाँ यहाँ पर ये लगाई है, ये है यहाँ पर AK-47 का, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो AK-203 यहाँ पर 203 की यहाँ पर सीरीज आगे देखने को मिल रही है, और यहाँ पर किसके कोलेब्रेशन में है, ये रसिया के कोलेब्रेशन में है। तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ये स्टेब्लिशमेंट किया गया, तो ये अमेठी उत्तर प्रदेश में स्टेब्लिशमेंट किया गया, किस कंट्री के कोलेब्रेशन से किया गया, तो ये है रसिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है ये आ रही है समझौता एक्सप्रेस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलाई गई थी। बेसिक पर्पज ये था किस तरीके से जो आज के में हमारी कंट्री के बीच में जो प्रॉब्लम रहती है उसको कहीं ना कहीं कुछ कम किया जा सके, क्योंकि आप लोगों को पता है 1947 में जब से बंटवारा हुआ है दोनों कंट्री की साइड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इसके चाचा मामा फूफा ताऊ एक दूसरे के बॉर्डर के इधर उधर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पर लेकिन सरहद पे आप लोगों को यहाँ पर जैसे ही लाइन खींची हुई मिली तब से यहाँ पर ये प्रॉब्लम काफी निकल कर आई। तो ये ट्रेन कम से कम यहाँ पर इसी पर्पज से चलाई गई ताकि कुछ शांति बनी रहे, पर लेकिन अभी ये कैंसिल कर दी गई थी इंडिया की साइड से, क्योंकि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को यहाँ पर जब पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर अरेस्ट किया गया तो उसके बाद में उनको छोड़ने के लिए यहाँ पर बोला गया, तो जब यहाँ पर ये रिटर्न घर आ गए तो उसके बाद में फिर से इसको स्टार्ट कर दिया गया, उसी के लिए यहाँ पर इसको कैंसिल किया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं, समझौते का मतलब होता है एग्रीमेंट, तो एक तरीके से एग्रीमेंट यहाँ पर दर्शाया गया। तो ये जो यहाँ पर ट्रेन स्टार्ट की गई थी, तो कई सारी बातें आप लोगों को पास्ट में जाकर देखने को मिलेगी इससे रिलेटेड। तो स्टार्ट की गई थी ये 1976 यानी कि 1976 में, और खासकर शिमला एग्रीमेंट जो आप लोगों को देखने को मिला उसके बाद में यहाँ पर दोनों कंट्री कैसे एक दूसरे साथ मिलकर रह सकती हैं उसके लिए इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसके बारे में आइडिया रखते हैं। हमारी कंट्री के जो रेसलर हैं यहाँ पर बजरंग पूनिया, इनके द्वारा 65 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड जीता गया है, जो कि बुल्गेरिया में अभी यहाँ पर ये चैंपियनशिप देखने को मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए बन जाता है क्योंकि इन्होंने ये जो अपना मेडल है ये इन्होंने डेडिकेट किया है विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के नाम, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसलिए हो जाता है, न्यूज में भी ये बन गए इसलिए, और यहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछने के चांसेस और ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चैंपियनशिप है, खासकर हमारी कंट्री की जब बात करते हैं रेसलिंग के बारे में तो आप लोग जानते हैं काफी अच्छे प्लेयर है हमारी कंट्री में। आगे बढ़ते हैं, बात की जा रही है यहाँ पर रोजर फेडरर के बारे में, एक महान प्लेयर हैं, जिस तरीके से आप लोग हमारी कंट्री में सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का गॉड बोल सकते हैं बोलते हैं उसी तरीके से रोजर फेडरर को भी आप लोग यहाँ पर टेनिस का एक तरीके से गॉड बोल सकते हैं। यहाँ पर 100वां टाइटल इनके द्वारा जीता गया अभी रिसेंटली ग्रीक के, यह है स्टीफेनो तिसिपास, इनको हराकर जीता गया। और यहाँ पर ये कहाँ पर हो रहा था, ये दुबई में जो टेनिस चैंपियनशिप थी वहां पर, तो 100वां खिताब जो जीता गया इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन बन सकता है। 20 बार इनके द्वारा ग्रैंड स्लैम जीते गए हैं, और इसी के साथ में सेकंड पर्सन बन गए आफ्टर अमेरिकन जिमी कॉर्नर्स, तो इनके बाद में यहाँ पर ये सेकंड पर्सन बन गए जिनके द्वारा 100 टाइटल यहाँ पर अचीव किए गए हैं। तो ये इसलिए अगर ऐसा कोई नंबर आता है यहाँ पर 150, तो आप लोगों से कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, कौन पर्सनैलिटी है, किसको हराया है, कहाँ पर चैंपियनशिप जीती है, क्या और भी कोई है, तो 3-4 स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट निकल कर आती है इससे रिलेटेड। आगे बढ़ता हूं, आगे यहाँ पर बात की जा रही है कुंभ के मेले के बारे में। आप लोगों को पता है 15 जनवरी 2019 से स्टार्ट किया गया था और 4 मार्च को यहाँ पर ये खत्म होने वाला है कुंभ का मेला। 4 मार्च को ये महाशिवरात्रि का फेस्टिवल आप लोगों को देखने को मिलेगा। एस्टिमेशन ये लगाया जा रहा है कि लगभग 22 करोड़ जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं उनके द्वारा यहाँ पर बात लिया गया। उत्तर प्रदेश में ये मेला चल रहा है इलाहाबाद में, जिसको आप लोग आज के में प्रयागराज भी बोलते हैं, तो इलाहाबाद का नाम चेंज कर प्रयागराज रखा गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग आइडिया रखिएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन
यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ी गैदरिंग अगर पृथ्वी पर कहीं होती है तो वो होती है कुंभ के मेले में। इसीलिए माना जाता है कि आसमान से भी अगर जाकर इसको देखा जाए, जिस तरीके से चीन की दीवार दिखती है उसी तरीके से कुंभ के मेले में जो गैदर्ड लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा होते हैं वो आसमान से दिख जाते हैं। इसीलिए आप लोग समझ सकते हैं इसके ऊपर रिसर्च की जाती है कई सारी कंट्रीज के द्वारा कि कैसे मैनेज किया जाता है इतने सारे लोगों को एक साथ में। तो ये तमाम मुद्दे आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। सबसे पहले आज के डेट में हम लोग बात करते हैं हमारी कंट्री में कितने रेलवे जोन है, तो 18 रेलवे जोन है टोटल। इसरो की बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर स्पेस की जब आप लोग बात करते हैं। इसका जो गठन किया गया था 15 अगस्त 1969 में इसका गठन किया गया था। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और जो गगनयान यहां पर लॉन्च करना है उसका भी हेडक्वार्टर जो कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है वो बेंगलुरु को ही बनाया गया है। डॉक्टर के सिवन आज के में यहाँ पर चेयरपर्सन है। पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर वो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार रिसेंटली पूछे गए हैं, इसके बारे में भी हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में। फुल फॉर्म है यहाँ पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डिफेंस के बारे में बात करती है। फॉर्मेशन किया गया था 1958 में, हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। चेयरपर्सन है यहाँ पर जी सतीश रेड्डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार। इसी के साथ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है यहाँ पर। मोटो जो है यहाँ पर यह यहाँ पर स्ट्रेंथ ओरिजन इन द इज इन द साइंस। ठीक है, तो ये आप लोगों से हल्का सा आइडिया मोटो के बारे में पूछा जा सकता है। और हाँ, इसी तरीके से आप लोगों यहाँ पर अगर बात करें इसरो का, इसका भी मोटो है यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। ये आप लोगों को मोटो देखने को मिलेगा किसका, ये है इसरो का। हिंदी में बोला जाए तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। यहाँ पर है स्ट्रेंथ ओरिजन इज इन साइंस। ठीक है, तो ये है डिफेंस जो अगर बात करें, ये तो हो गया यहाँ पर डीआरडीओ का और ये हो गया इसरो का। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे नजर डालते हैं यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। सबसे पहली जो न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है आप लोगों के सामने, ये बात की जा रही है इंडिया और खासकर इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान के बारे में। आप लोगों को पता है आज के डेट में पाकिस्तान के साथ में क्या रिलेशन है, और आज के डेट में नहीं है, पास से ही है। अगर अफगानिस्तान के साथ में हमको अच्छे रिलेशन बनाने होते हैं तो पाकिस्तान को हम लोग को बाईपास करके जाना होता है, यानी कि पाकिस्तान से तो एंट्री मिलेगी नहीं हम लोगों को, तो इसलिए हम लोग को दूसरा रास्ता खोजना पड़ा। वो रास्ता हो गया चाबहार के थ्रू, ईरान से होता हुआ। तो ईरान से होता हुआ ये रास्ता जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर में। तो अफगानिस्तान से फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट किया गया है चाबहार पोर्ट से होते हुए। चाबहार पोर्ट ओनली ऐसा जो यहाँ पर पोर्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कि इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो फर्स्ट टाइम अफगानिस्तान की साइड से एक्सपोर्ट आया हमारी कंट्री में 570 टन जो है यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह, टेक्सटाइल या फिर कारपेट्स, मिनरल, ये सारे आप लोगों यहाँ पर देखने को मिले। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान से हमारी कंट्री में जो रिसेंटली अभी एक्सपोर्ट देखने को मिला वो कौन से पोर्ट से होता हुआ आया हमारी कंट्री में। तो पहले अफगानिस्तान में यहाँ पर जरान सिटी है, जरान से चाबहार तक पहुंचा और चाबहार से फिर ये मुंबई तक पहुंचा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पड़ोसी देश के साथ में ऐसी कनेक्टिविटी यहाँ पर अगर बना पा रहे हैं हम लोग तो ये अच्छी बात है। और पाक ऑक्युपाइड वाला जो एरिया है अफगानिस्तान, वहां से हमको टच करता है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए टोटल हमारी कंट्री को कितने राज्य, कितनी कंट्री है जो टच करती है, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर हमारी कंट्री कितने हैं अगर हम लोग अफगानिस्तान को भी यहाँ पर काउंट कर चलते हैं तो। इसके बारे में आप लोग बताइए थोड़ा, ये टोटल आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये भी पैटर्न आप लोगों के सामने है यहाँ पर अगर देखेंगे, और ये अलग अलग कनेक्टिविटी है यहाँ पर जिसको हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। आगे बढ़ता हूं, आगे यहाँ पर जो नजर डाली जा रही है वो इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं यहाँ पर किसके, इंडिया और यूएसए के बीच में। इंडिया और यूएसए के बीच में अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक तरीका एग्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिला, जिसके तहत ये बातें की गई अगर कोई मिसिंग या फिर बच्चों का एक्सप्लोइटेशन होता है कैसे उसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं, यानी कि इंडिया और यूएसए मिलकर काम करेंगे इस फील्ड में। हमारी कंट्री का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है जिसको आप लोग एनसीआरबी बोलते हैं। एनसीआरबी जो है यहाँ पर ये पूरा डेटा तैयार करता है इन सब चीजों से रिलेटेड कि हाँ कहाँ कहाँ पर क्या क्या क्रिमिनल एक्टिविटी होती है। इसी के साथ में नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लोइटेड जो चिल्ड्रन है यहाँ पर, ये एनसीएमईसी, ये यूएसए का है। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे, और जिस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं जो आज के में गुम हो जाते हैं या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एक्सप्लोइटेशन किया जाता है, आप लोगों ने मूवी देखी होगी स्लम डॉग मिलियनर, उसमें आप लोगों को एक छवि देखने को मिलती है कि बच्चों के साथ में कितनी एक तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है, तो कैसे हम लोग उसको रोक सकते हैं। तो वो तमाम बातें आप लोगों को मुद्दे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो कैसे उनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे हम लोग बच्चों को एक सही तरीके से एक सही स्पेस प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। अगर हमारे संविधान में बात करें तो चाइल्ड लेबर हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट के कौन से राइट के अंदर आती है, फंडामेंटल राइट के, जिसमें ये बोला जाता है कि चाइल्ड लेबर हमारी कंट्री में नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत एवरग्रीन
बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। अगर बात करें यहां पर दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लोइटेड चिल्ड्रन, इसके बारे में तो आप लोग याद रखिए या ना रखिए, यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आप लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है कब फाउंड की गई है कब नहीं, ये आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये बस इतना याद रखिएगा, ये यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए। 11 मार्च 1986 में गठन किया गया था, यानी कि 11 मार्च 1986 में इंडिया में आप लोगों को लोकेशन देखने को मिलेगी। मोटो ये है एक तरीके से, इंपावरिंग इंडियन पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्रिमिनल होती है, तो उसको रोका जा सके। रामपाल पवार आज के में जो आईपीएस ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, आपका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यहां पर इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ये हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। बाकी इसका फाउंडर की अगर बात करें, तो ये हो गया यहां पर रोनल्ड रेगन और यहां पर जॉन वॉल्स, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट जो न्यूज की जा रही है यहां पर, ये आप लोगों के लिए है, राज्य से निकलकर यहां पर न्यूज आ रही है, बात की जा रही है 4 लेन, ये एक ब्रिज की बात की जा रही है, अभी हमारी कंट्री में खासकर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर एक 4 लेन की ब्रिज की बात की गई यहां पर, तो ये देखने को मिलेगा आप लोगों को, खासकर नॉर्थ में अगर बात करें, ये कहां पर है, ये है डुबरी, डुबरी से लेकर यहां पर फुलबारी, जो कि साउथ ब्लॉक आप लोगों को देखने को मिलेगा आसाम और मेघालय के अंदर, लगभग 19 किलोमीटर का ये ब्रिज रहने वाला है, और ये काफी इस तरीके के अगर ब्रिज होते हैं तो देखिए कई किलोमीटर की जो लंबी डिस्टेंस है ना, वो उसको कम कर देते हैं, वरना घूमकर जाना पड़ता है और काफी कुछ ईंधन का भी खपत होती है, और काफी कुछ आप लोगों को टाइम भी यहाँ पर एक तरीके से वेस्ट होता हुआ नजर आता है। तो अगर वेस्ट को हम लोग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दे, तो यही एक तरीका होता है, कोई ना कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाया जाए। एक क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि कौन यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहा है इस प्रोजेक्ट को, तो ये प्रोजेक्ट सपोर्ट किया जा रहा है यहाँ पर जापान के द्वारा। नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी फेज 3 के अंदर यहाँ पर इसको कंप्लीट करने की बात की जा रही है, और टोटल कॉस्ट आप लोग यहाँ पर देखते हैं, जो कि 4997 यानी कि 4,997 करोड़ यहां पर, इंक्लूडिंग जो है यहां पर जो कोस्ट लैंड एक्वाइजेशन की है, वो भी आप लोग यहां पर देखते हैं, ये है यहां पर 56 करोड़, ये यहां पर 56 करोड़ के करीब, लगभग 55 करोड़ है वैसे, तो ये 6 साल में यहां पर कंप्लीट करने की बात इसको की जा रही है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है ये प्रोजेक्ट, आइए नजर थोड़ा दान लेते हैं यहाँ पर इसके ऊपर भी। ब्रह्मपुत्रा रिवर काफी इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया में, अगर आप लोग इसको देखेंगे, ये यहाँ पर आप लोग देखते हैं अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है, यहाँ पर इसको बोला जाता है यारलंग, ठीक है, सांगपो भी इसके नाम से पुकारा जाता है, इसी के साथ में आगे चलेंगे इसको यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा के नाम से पुकारा जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर दिबांग भी बोला जाता है इसके थोड़े एरिया में, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में अगर आप लोग इसको देखेंगे, तो आगे जाएंगे तो इसको जमुना बोल दिया जाता है, जैसे ये गंगा के साथ मिलती है इसको पद्मा बोल देते हैं, और जैसे ही यहाँ पर आप लोगों को बे ऑफ बंगाल में गिरती नजर आएगी इसको मेघना बोल देते हैं, तो ये भी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहां कहां पर किस किस नाम से ब्रह्मपुत्रा को पुकारा जाता है, तो ये कुछ नाम भी आप लोग इसके रिलेटेड याद रख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, तो काफी इंपोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है आप लोगों के सामने यहां पर, यह किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, एक तरीके की ये योजना है यहाँ पर, जो हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ऑब्जेक्टिव ये है फाइनेंशियल वाटर सिक्योरिटी खासकर, और किस तरीके से जो CO2 का यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का इंपैक्ट है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, तो सीधा सीधा पर्पज ये है कि एक तरीके से कैसे हम लोग अपनी कंट्री में जो खासकर किसानों से रिलेटेड बात करते हैं, तो उनका जो एम है खासकर 2022 तक उनकी इनकम को डबल करने की बात की जा रही है, इसी तरीके से सोलर कैपेसिटी के सारे बारे में बात करते हैं, वाटर सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, तो ये तमाम मुद्दे यहाँ पर इस स्कीम के तहत कवर करने की बात की जा रही है, और ये आप लोगों को नाम में भी देखने को मिल रहा है किसान ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है। तो यहां पर कैसे, जैसे इरिगेशन की बात करते हैं तो सोलर पंप आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, तो ये तमाम ऐसी बातें यहां पर प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं एनर्जी से रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड यहां पर प्रोजेक्ट निकल कर आ रहे हैं, ये बात की जा रही है इंडिया और नेपाल के बीच में। कई दिनों पहले आप लोगों ने, कुछ दिनों पहले यहां पर सुना भी होगा, मैंने आप लोगों को डिस्कस भी किया था जब यहां पर इसको लॉन्च किया गया था, ये है यहां पर अरुणा थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये यहाँ पर हमारी कंट्री और नेपाल के बीच में है। नेपाल में कई सारे ऐसे सोर्सेज हैं यहाँ पर रिवर के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन नेपाल के बस की बात नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट करना, तो इंडिया या फिर चाइना से हेल्प ली जाती है, तब जाकर यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किए जाते हैं। फिर फायदा क्या होता है, इंडिया को भी फायदा होता है, इंडिया इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ले पाते हैं, तो उसी के तहत यहाँ पर अरुणाथर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, जो कि सतलज जल विकास निगम के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। एस्टिमेशन जो कोस्ट यहाँ पर लगाई गई थी ये 1,236 करोड़ की बोली गई थी, और जून में यहाँ पर ये प्राइसिंग लेवल इसकी की गई थी। ये बोला गया था कि इम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी लगभग 400 लोगों को काम मिलने वाला है, सरप्लस जनरेशन यहाँ पर एनर्जी को यहाँ पर खासकर इंडिया और नेपाल के रिलेशन, उसी के साथ में कनेक्टिविटी भी यहाँ पर बढ़ाएगा, ताकि एक अगर नेपाल से एक्सपोर्ट होता है तो इंडिया को भी फायदा देखने को मिलेगा, तो खासकर नेपाल टू मुजफ्फरपुर यहाँ पर इंडिया में ये यहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चलाने की बात की गई, तो काफी इंपोर्टेंट आप लोगों से बातें पूछ ली जाती हैं कई बार। आगे बढ़ते हैं,
देखिए अगर इस तरीके से बातें की जाती है तो आप लोग देखते हैं कई सारे लेवल पे आप लोगों को यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा हो रहा है, जॉब जनरेशन अच्छी खासी हो रही है, इसी के साथ में अफोर्डेबल आप लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, इसी के साथ में अगर ऐसी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो इसका फायदा सबसे अच्छा ये होता है कि आप लोगों को यहाँ पर जो ये एनर्जी है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए फायदेमंद होती है, यानी कि जिस तरीके से अगर कोयले से आप लोग जनरेट करते हैं तो खतरनाक लेवल का एक तरीके से CO2 प्रोड्यूस करती है और वो एनवायरमेंट पर काफी गलत इंपैक्ट डालती है। डायरेक्ट इंप्लॉयमेंट जनरेशन आप लोग देखते हैं इसी तरीके से जो ये प्लान होते हैं खासकर लोकल एरिया में जहां पर लगाए जाते हैं, लोकल एरिया में आप लोगों का एंपावरमेंट देखने को मिलेगा, एक लोकल जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्राइस की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी आप लोगों को एक अच्छी देखने को मिलेगी, इसी के साथ में और भी तमाम मुद्दे आप लोग बोलेंगे छोटे छोटे जो कि काफी फायदा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ऐसे जैसे पर्टिकुलर एरिया में अगर आप लोग हॉस्पिटल खोल देते हैं तो आसपास वाले एरिया में आप लोग कई सारी वैसी दुकानें भी देखने को वहां पर मिलने लगती है, तो एक ऑल ओवर डेवलपमेंट वहां पर पर्टिकुलर एरिया का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर स्पोर्ट के बारे में, तो जो स्पोर्ट से न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर श्रीलंका के एक प्लेयर हैं जिनका नाम आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, नाम है यहाँ पर सनत जयसूर्या। इनके ऊपर 2 साल का यहाँ पर बैन लगा दिया गया है ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि ये माना जा रहा है ICC के द्वारा यहाँ पर इन्होंने एंटी करप्शन कोड जो है उनका ब्रीच किया है यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से जो एथिक यहाँ पर बरतना चाहिए क्रिकेट के अंदर वो इनके द्वारा ब्रीच किया गया है और ये इनके द्वारा एडमिट भी किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 साल तक का इनके ऊपर बैन रहेगा क्योंकि इनको गिल्टी पाया गया है यहाँ पर जो भी इनके द्वारा हरकतें की गई हैं उसमें, तो ये आने वाले टाइम में 2 साल तक अब नहीं खेल पाएंगे यहाँ पर ये बात बोली गई है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर देखें ICC के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ICC को अगर देखिए आज के में जो CEO है यहाँ पर ये है मानु सैनी, ठीक है, इसी के साथ में जो यहाँ पर अगर बात की जाए चेयरपर्सन ये काफी इंपॉर्टेंट है शशांक मनोहर, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर दुबई में है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में और करंट जो चैंपियन है यहाँ पर श्रीलंका है जो आप लोग पता होना चाहिए इसके बारे में, और नेशनल टीम की बात करें तो इंडिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इस तरीके के बारे में जहां पर खासकर इंडियन पर्सनैलिटी और अगर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर चीफ की पोस्ट पर है तो ये इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के सामने। बाकी 105 मेंबर हैं यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग यहाँ पर जो लिए एक तरीके से लैंग्वेज यूज की जाती है। फॉर्मेशन जो किया गया था ये 1909 में क्रिकेट फॉर गुड, ये यहाँ पर इसका मोटो आप लोग देखते हैं तो काफी पुरानी आप लोग ऑर्गेनाइजेशन थी यहाँ पर इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, उसको यहाँ पर चेंज कर यहाँ पर इसको बनाया गया। ठीक है, जो कि यहाँ पर 1909 से लेकर 1965 तक चली और फिर आगे चलकर यहाँ पर ये है इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ये चली यहाँ पर और फिर आगे चल के इसका नाम चेंज कर दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो ये तमाम चेंजेस आप लोग यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और जो मैंने आप लोगों को बताई दिया चेयरमैन है यहाँ पर शशांक मनोहर और CEO है यहाँ पर ये है डेविस रिचर्डसन। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो बात की जा रही है यहाँ पर एक नेशनल पार्क के बारे में बात की जा रही है, तो जो आज का नेशनल पार्क है आपके सामने ये है नोक्रेक नेशनल पार्क, लोकेशन है यहाँ पर मेघालय, इस्टेब्लिश किया गया था ये 1986 में, यूनेस्को का दर्जा इसको दिया गया 2009 में और हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी जो कि मेघालय के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है उसका ये पार्ट भी है, कई सारे इंटरेस्टिंग केव वगैरह आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एग्जैक्ट लोकेशन है यहाँ पर ये नोक्रेक बायोस्फीयर जो रिजर्व है यहाँ पर वो भी आप लोग देखते हैं यहाँ पर कोर एरिया पर्टिकुलर वो इसी से कनेक्टेड है, तो ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आइए आज बात करते हैं पॉलिटिकल एक इंपॉर्टेंट लेक्चर के बारे में, ये है यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ज्वाइंट सिटिंग यहाँ पर पार्लियामेंट की जो आप लोगों को देखने को मिलती है किसके द्वारा बुलाई जाती है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के अंदर आती है उससे भी ज्यादा एवरग्रीन है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, प्रिजाइड की जाती है यानी कि जो चेयर करता है यहाँ पर वो करता है स्पीकर, अगर स्पीकर एब्सेंट है तो कौन करता है, अगर वो भी एब्सेंट है जो करता है तो फिर कौन करता है, ये अगर आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे ढंग से तो फिर आप लोग इसका आंसर कभी नहीं भूलेंगे, यानी कि पहले स्पीकर फिर उसके बाद में कोई दूसरा पर्सन, अगर वो भी नहीं है तो तीसरा पर्सन, तो तीनों के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आइए आगे बढ़ता हूं, आगे बात की जा रही है इन क्वेश्चंस के बारे में जो लास्ट वीडियो से आप लोगों से पूछे थे। सबसे पहले बात की जा रही है वर्ल्ड वाइड, ये है यहाँ पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में, 3 मार्च को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है और थीम थी लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लानेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर जो पेनल्टी इम्पोज की गई थी ये थे यहाँ पर नो योर कस्टमर या फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, तो HDFC बैंक, IDBI बैंक, इसी के साथ में कोटेक महिंद्रा, तो ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर बात की जा रही थी हमारी कंट्री के जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है प्रकाश जावड़ेकर जी के अंडर में यहाँ पर इनके द्वारा स्टार्ट किया गया यहाँ पर ये है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंडर में आती है और जयपुर में इसको स्टार्ट किया गया। सफाई कर्मचारी है वो कमीशन जिसके द्वारा यहाँ पर देखा जाता है कि कहीं मैनुअल स्कैवेंजिंग तो नहीं हो रही है, यानी कि कहीं पर जो लोग हैं उनसे गटर साफ तो नहीं कराए जा रहे हैं जबकि ये मशीन से यूज करना है, ये तमाम बातें देखने को मिलती है। चाइना है वो जो कि नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रही है ताकि UN के द्वारा यहाँ पर कुछ बातें रखी जाए जिससे कि जो इनके ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं उनको कम किया जाए नॉर्थ कोरिया के ऊपर USA के द्वारा।
बात की जा रही है मन की बात यहाँ पर, सोशल रिवोल्यूशन ऑन रेडियो, ये यहाँ पर अरुण जेटली जी के द्वारा लॉन्च की गई, ये वही मन की बात है जो कि मोदी जी के द्वारा यहाँ पर पढ़ाई जाती है, ठीक है, तो उसके बारे में याद रखते हैं। बाकी यहाँ पर इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, इसी के साथ में यहाँ पर इसके द्वारा लॉन्च किया जाना है एक सैटेलाइट जिसका नाम है यहाँ पर एमीसैट, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है यहाँ पर, तो मार्च 2019 में ही ये लॉन्च किया जाना है। नजर डालते हैं क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद में आप लोगों के सामने होगा आज का क्विज जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला एक इंपॉर्टेंट डे, नेशनल सेफ्टी डे के बारे में जाना, एक छोटा सा क्विज आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर मोदी जी के द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए उनके बारे में जाना, इसी के साथ में यहाँ पर समझौता एक्सप्रेस के बारे में जाना, बजरंग पूनिया के द्वारा जीता गया मेडल वो जाना हम लोगों ने, रोजर फेडरर के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर संगम जो है यहाँ पर वो देखने को मिला आप लोगों को, जो विटनेस है यहाँ पर कुंभ के मेले का, तो वो अभी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है जो कि 4 तारीख को। क्वेश्चन के आंसर शानदार तरीके से दिए गए, चाबहार पोर्ट में इंडिया अफगानिस्तान और ईरान के रिलेशन जाने। नेक्स्ट यहां पर जो इंडिया और यूएसए के रिलेशन जाने मिसिंग चाइल्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहां पर जो बात की गई है 4 लेन ब्रिज के बारे में बात की गई, इसके अलावा हम लोगों ने यहां पर जाना एक स्कीम के बारे में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड थी यहां पर, खासकर किसानों के फायदे के लिए अरुण थरी ये हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने थी यहां पर एक क्रिकेटर के ऊपर बैन लगाने की बात की गई जो कि श्रीलंका के हैं, एक नेशनल पार्क के बारे में हम लोगों ने जाना। पॉलिटिकल रिवाइज आप लोग जरूर कीजिएगा, कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं डाल दूंगा। आगे बात करते हैं यहां पर 3 मार्च की जो नैनो थी उसके क्वेश्चन के आंसर, अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एक फैक्ट्री यहां पर लॉन्च की गई जो कि AK-203 राइफल है यहां पर, ये कौन सी कंट्री के कोलैबोरेशन में हम लोग यहां पर एस्टैब्लिश करने वाले हैं, अमेठी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आप लोगों को बता रहे हैं यहां पर कि कौन सी वो ट्रेन है जिसका नाम काफी न्यूज में था अभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जो कि अभी रद्द कर दी गई थी फिर से रिस्टार्ट की गई है। बजरंग पूनिया के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया 65 किलोग्राम की कैटेगरी में, तो ये कौन सी कंट्री में यहां पर इनके द्वारा जीता गया है। रोजर फेडरर जो कि 100वां खिताब इनके द्वारा जीता गया है, इसके अलावा अमेरिका के एक प्लेयर है जिनके द्वारा यहां पर 100 से ज्यादा टाइटल जीते गए हैं, उनका नाम क्या है। अफगानिस्तान यहां पर एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को कौन से पोर्ट से होते हुए, ये बताना है आप लोगों को जो कि ईरान के अंदर में है। इंडियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया और कौन सी कंट्री, जहां पर बच्चे मिसिंग है उसके बारे में बात की जाती है, तो ये आप लोगों को बताना है। फॉर्मर श्रीलंकन कैप्टन उनको अभी यहां पर बैन किया गया 2 साल के लिए, पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है। ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों क्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।